तो चलिए फ्रेंड्स, आज फोंडेंट को यूज करके बनाते हैं कस्टमाइज्ड केक। तो यहाँ पर मैंने केक की आइसिंग कर ली है और कुछ फोंडेंट में ना डिफरेंट कलर्स डाल करके कलरफुल फोंडेंट बनाया है। अब ग्रीन फोंडेंट की पतली पतली स्ट्रिप्स काट करके ना मैंने डिफरेंट साइज के स्ट्रिप्स बना ली और उन पर टूथपिक से मार्किंग कर दी है। अब व्हाइट फोंडेंट के दो छोटे छोटे गोले बना करके मैं इन्हें रोल कर लूंगी, और क्योंकि मैं पांडा थीम केक बना रही हूँ तो उस हिसाब से थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे। इसकी आईज, नोज, ईयर्स, हैंड्स और लेग्स बना लेंगे। वैसे इसकी डिटेल रेसिपी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर तारा मधु की रसोई के चैनल देख सकते हैं। अब तैयार केक के साइड्स में हमने जो ग्रीन कलर के स्टिक्स बनाए हैं उनको पानी की मदद से और क्रीम की मदद से स्टिक कर देंगे। यहाँ पर मैंने पांडा का एक और एक्स्ट्रा फेस भी बनाया था तो उसको भी लगा दिया, और साइड में पूरे केक के चारों तरफ ये बैम्बू स्टिक्स लगा देंगे, जिससे पूरे केक के चारों तरफ ये बैम्बू स्टिक्स लग जाए। और मैंने ना ग्रीन कलर की क्रीम से, ग्रास नोजल से जगह जगह पर ग्रास भी बना दी और केक को अच्छे से फुल्ली कवर कर लिया। फाइनली पांडा का टॉपर और नंबर 1 का अल्फाबेट का टॉपर लगा देंगे। तो लीजिए, पांडा थीम केक हमारा बन करके रेडी है।